रात को साइकिलिंग करने का मजा ही कुछ अलग है भाई। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो एकदम सन्नाटा छा रखा है, गाड़ियां वाड़ियां अभी भी चल रही है, बट इस टाइम पे जो साइकिलिंग करने का मजा आ रहा है मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है। वरना मेन हाईवे पे दिन के टाइम पे तो साइकिल चलाना तो छोड़ो भाई, बाइक चलाना भी बहुत रिस्की होता है, बट इस वक्त देखो भाई रात के टाइम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बिंदास साइकिल चलाते रहो, सारी गाड़ियां एकदम नॉर्मल स्पीड पे चल रही हैं और काफी मजे से मैं यहाँ पर अपनी साइकिल राइड कर रहा हूँ। वेट, वो देखो भाई वहां पर एक गाड़ी काफी तगड़ी है, वो तेरी, एक सेकंड, ये लॉस गैंग का बेस है क्या? हाँ लॉस गैंग का ही बेस है। लॉस गैंग वालों के पास इतनी तगड़ी सुपर कार, ये कब से होने लग गया भाई? ये तो एकदम इम्पॉसिबल सी चीज है, ये लोग हमेशा वैन लेके घूमते रहते हैं और आज इनके पास एक सुपर कार है। बढ़िया भी दिख रही है यार, वो ये अच्छी लग रही है सुपर कार तो। एक सेकंड जरा इसकी हेडलाइट वेडलाइट देखूं, सीरियसली मैं इसके आगे लाइट्स देखो यार कितनी सारी है। एक सेकंड, ओ नीचे वाली भी लाइट्स जलती है, मतलब टोटल इसके अंदर 6 हेडलाइट्स है यार, और अगर ध्यान से देखोगे तो 8 हेडलाइट्स हैं। भाई साहब 4 अभी जल गई हैं, ये देखो एक हेडलाइट के अंदर दो दो लाइट्स लगी हुई हैं, तो 4 और फिर उसके बाद ये 4 और। भाई क्या बढ़िया है गाड़ी, मस्त गाड़ी है भाई। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी के अंदर बैठने की? क्या हो गया भाई, गाड़ी के अंदर कैसे बैठा तू? गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गया। मेरा कहने का मतलब है गाड़ी के अंदर तेरी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? अबे गाड़ी देख ही तो रहा था मैं, कौन सा तेरी गाड़ी चुरा के भाग रहा हूँ। ओए तमीज में बोल तू। अबे तू तमीज में बोल भाई, मैंने कौन सी बदतमीजी से बात कर दी तेरे से? ओए तू जानता नहीं है मेरे को। अबे जानने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी तेरे को जान के होगा क्या, निकल चल यहाँ से। तू बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है, तू है कौन बे? मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फ्रैंकलिन क्लिंटन और मेरा घर है भाई वो बड़े से तालाब के पास। आज यो दम हो कभी भी पूरी गैंग लेके मैं तैयार बैठा हूँ अपने वेपन्स के साथ। ओह ओपन चैलेंज। अबे ओपन चैलेंज, डरता हूँ क्या तेरे से मैं? तू तो गया बेटे। दम है तो मेरे को टच करके दिखाना भाई, अभी अभी आ जा, अभी तुम तीनों की ना मैंने खोपड़ी उड़ा दी ना भाई, मेरे को हल्के में मत लेना। तुम लोगों की तरह मेरे को गैंग की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है मैं भी देखता हूँ तू तो कितना अकेला ही काफी है। अबे चल चल अब बकवास मत कर, शांति से मेरे को साइकिलिंग करने दे। कहाँ घर बताया तूने अपना? ओ लगता है गैंग लेकर आने वाला है तू फाइट के लिए। बिल्कुल ठीक है, आज ही भाई लॉस सैंटोस को वो बड़ा सा होटल नहीं देखा है, काफी अमीर अमीर लोग आते रहते हैं वहाँ पे होटल के पास, उसके बगल में जस्ट एक बहुत ही बड़ा सा तालाब है, उसके जस्ट सामने वाला जो घर है वो मेरा घर है, बहुत ही बड़ा आलीशान सा घर। दम है तो आजा पूरी गैंग लेके। तू गया अब, इंतजार कर कल सुबह का। बिल्कुल इंतजार रहेगा भाई तेरा, हल्के में ले रहा है भाई, ये लॉस गैंग वाले जानते नहीं है मेरे अंदर इतना दम है ना, मैं अकेले पूरी इनकी लॉस गैंग खत्म कर दूंगा। लेकिन एक सेकंड यार, कुछ ज्यादा तो फेंक के नहीं आ गया मैं? मेरे को तो लग रहा है यार कुछ ज्यादा फेंक के आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही तगड़ा चैलेंज तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं 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 बिल्कुल नहीं किया मैंने बड़ा चैलेंज। डरते है क्या लॉस गैंग वालों से? आने दो भाई, कल सुबह खोपड़ी उड़ा दूंगा एक एक की। भाई अकेले मैंने कितनी सारी गैंग्स खत्म कर रखी है, ये लॉस गैंग वाले किस खेत की मूली है। गिर गया। फिर भी यार उस बंदे ने धमकी दी है कि कल सुबह आएगा पूरी गैंग वैंग लेके, मुझे तैयार रहना चाहिए यार। काम करता हूँ रास्ते में से थोड़े वेपन्स हथियार वगैरह खरीद लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं है ये सच में आ जाएगा पूरी गैंग लेके। वेपन स्टोर पे आ चुका हूँ गाइस, मैं फटाफट से वेपन्स खरीद लेते हैं यार। थैंक यू फॉर द वेपन्स, मैंने बहुत सारे वेपन्स खरीद लिए हैं। लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ, मस्त साइकिलिंग करने निकला था अपने घर से और बेमतलब के पंगे हो गए लॉस गैंग वालों से यार। कोई बात नहीं, डरते हम लोग, कल सुबह का मेरे को भी इंतजार रहेगा भाई। आने दो इन लॉस गैंग वालों को कल सुबह, इतनी बुरी तरीके से धोऊंगा ना मैं इन लोगों को कि हमेशा मेरा नाम ये लोग जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। चलो भाई आ गए फाइनली आ चुके हैं, ये रहा अपना ब्यूटीफुल सा होम स्वीट होम, और अपनी साइकिल को यहीं पर रख देता हूँ मैं आराम से। ये कौन सा तरीका है भाई साइकिल रखने का? हाँ तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं आराम से, और अभी फटाफट से चलते हैं सोने के लिए। अरे यार काफी ज्यादा देर लगा दी आने में। क्या ही बताऊँ भाई, पंगे हो गए बेमतलब के रास्ते में। भाई साहब कलू किससे पंगे हो गए? यही किससे पंगे होंगे? लॉस गैंग वालों से। अरे लॉस गैंग वालों से तुम क्यों पंगे लेकर आ गए? मैंने पंगे नहीं लिए हैं, उन लोगों के गैंग के बेस के बाहर एक बहुत ही बढ़िया सी सुपर कार खड़ी थी, तो मैं जस्ट चेकआउट कर रहा था कि भाई कैसी हेडलाइट है उसकी, कैसी है वो गाड़ी, तो काफी बढ़िया सी लग रही थी। अरे ये तो गलत बात है यार, किसी को कहीं ऐसे गाड़ी थोड़ी ना देखता है। अबे तो वो बंदे भाई शांति से भी तो बोल सकते थे, अलग ही लड़ने लग गए भाई। मैंने भी उन लोगों को ओपन चैलेंज दे दिया कि दम है तो आ जाना मेरे घर पे, हो जाए दो दो हाथ। तो वो
वो आने वाले हैं क्या? बिल्कुल, वो लोग कल सुबह आने वाले हैं। बे भाई साहब यार, कल तू तैयार है उनसे दो दो हाथ करने के लिए? बे बिल्कुल तैयार हूँ भाई, बहुत सारे हथियार लेकर आ गया हूँ मैं। अब तो इतने हथियारों में पूरी लॉस गैंग खत्म कर दूंगा। और तुम लोग टेंशन मत लो भाई, लॉस गैंग वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदास रहो, मस्त रहो, और मुझे सोने दो, नींद आ रही है। ओह देखते हैं गाइस कल सुबह आते हैं कि नहीं वो लोग। मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं लगता भाई, लिटरली मैं मुझे नहीं लगता। इतनी बड़ी लॉस्ट गैंग है, उनके जिम में बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें इधर उधर गैंग पर कब्जे भी करने होते हैं, फिर लोगों को किडनैप करके उनसे पैसे भी मांगने होते हैं। ये सब काम करते रहते हैं वो लोग, और इन सब कामों को छोड़ के वो लोग मेयर से दो चार बातों की बहसबाजी के लिए वो लोग लड़ने के लिए आएंगे? मुझे नहीं लगता, वो लोग डेफिनेटली नहीं लड़ने वाले हैं। तो इसीलिए एकदम टेंशन फ्री होके सो जाते हैं। नींद आ रही है बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है, लॉस गैंग वाले आए क्या भाई? एक बार चल के देखते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आ गए हो। तो भाई शिनचैन पिनचैन, लॉस गैंग वाले आए क्या फाइट के लिए? लगता तो नहीं है यार, अभी तक तो कोई भी नहीं आया सुबह से। अच्छा मैं कह नहीं रहा था यार, वो लोग भाई इतने सीरियस नहीं लेते हैं छोटी मोटी बातों को। वैसे भी मेरी थोड़ी सी तो बहसबाजी हुई थी, इतनी सी बात के लिए कोई किसी के घर पे लड़ने के लिए थोड़ी ना आ जाता है यार। एक सेकेंड, वो क्या है, वो क्या है यार? हेलो, ये क्या चीज है? कोई टेबल वेबल लग रही है। ओ ये बटन है क्या? कोई ग्रीन कलर का एक बटन रखा हुआ है भाई, कैसा बटन है ये? पता नहीं भाई कैसा बटन है ये घर पे ये सब क्या है? ओए हमारे घर पे ये सब क्या है यार? अरे क्या हो गया? अबे जरा बाहर आओ तो, ये सब क्या है? तुम लोगों को पता है कुछ ये सब क्या है? अरे पता नहीं यार, हमें नहीं पता। तुम लोगों ने सुबह से अभी तक ये चीज नोटिस नहीं की? बे नहीं बे, हम तो सुबह से बाहर ही नहीं है, हम तो उधर ही बातें कर रहे थे। क्या चीज है ये? बे कलुआ ये तो वो बॉलिंग बॉल लग रही है। बॉलिंग बॉल? सही कह रहा है, ये तो मिसाइल्स लग रही है यार। अरे लेकिन हमारे घर पे मिसाइल्स किसने छोड़ दी? अबे अगर कोई मिसाइल छोड़ता तो वो डायरेक्ट मिसाइल ब्लास्ट होती, ना कि ऐसे घर पे रखी होती। ये सब क्या है? फुटबॉल है क्या बड़ी बड़ी? या तो टॉय लग रहे हैं भाई मेरे को ये, सीरियसली में भाई खिलौने जैसे लग रहे हैं। अरे कौन रख के चला गया बे? अबे ले जाओ बे, ये फ्री का माल लेके चले गए यार। मैं बेच दूंगा सीरियसली में, ये सब कबाड़े में बेच दूंगा, बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। खिलौने ही खिलौने हैं यार। कौन है वो बेवकूफ जिसने इतने सारे खिलौने रख दिए मेरे घर पे? अरे क्या पता खिलौने की जगह असली मिसाइल निकली तो। अबे चल चल, असली मिसाइल तुझे पता भी है एक मिसाइल कितनी ज्यादा महंगी आती है? ये इस एक एक बॉक्स में छह छह मिसाइल्स हैं, और यहाँ पर कितने बॉक्सेस है? रुको भाई, दो तीन दो पांच और पांच पांच दस, दस बॉक्सेस है, और उसमें एक बॉक्स में छह मिसाइल्स है, मतलब टोटल 60 मिसाइल है। एक मिसाइल अगर 1 करोड़ की भी माने तो 60 करोड़ की मिसाइल्स अपने घर पे रखी हुई है। कोई इतना खर्चा क्यों करेगा भाई? कैसी बातें करो तुम लोग। अरे तो फिर छोड़ो यार, उन वाले मिसाइल्स को छोड़ो, और उधर देखो एक टेबल रखी हुई है। अबे हाँ, वो टेबल पे मैंने भी नोटिस किया यार, एक बटन रखा हुआ है, जरा देखें क्या उस बटन से क्या होता है। चलो चलो यार, देखते हैं मजा आएगा। क्या लगता है भाई क्या होगा इस बटन से? भाई साहब मेरे को तो लग रहा है भाई कलुए इस बटन को दबाते ही हमारे घर की जगह एक बहुत बड़ा महल बन के आ जाएगा। ओए क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, बटन दबाते ही हमारे घर की जगह महल थोड़ी ना बन के आ जाएगा। क्या लगता है भाई शिनचैन क्या होगा इस बटन से? मुझे तो लग रहा है यार पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का टाइम बदल जाएगा और दिन की जगह रात हो जाएगी। दिन की जगह रात? अबे चल, ऐसा भी थोड़ी ना होता है। पिंचन भाई क्या लगता है तुझे इस बटन से क्या होगा? मुझे तो लग रहा है यार ये बटन दबाता ही एक बहुत ही बड़ा सा सीक्रेट बेस हमारी इस जमीन से बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। चौप का तो इम्पॉसिबल है भाई, हमारे घर की जगह कोई बड़ा सा महल तो नहीं आएगा। और शिनचैन का तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है, टाइम थोड़ी ना बदल जाएगा यार बटन दबाने से। पिंचैन का थोड़ा सा पॉसिबल है, मे भी हो सकता है इस बटन को दबाते ही यहाँ से एक बड़ा सा सीक्रेट बेस बाहर आ जाए। तो क्या बोलते हो, दबा कर देखे इस बटन को? अरे चलो चलो यार, दबा कर देखते हैं। तो एक काम करो गाइस, तुम लोग फटाफट से जाओ, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो जाओ भाई फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद मैं ये बटन दबाने वाला हूँ। जाओ जाओ अभी के अभी जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आई होप तुम लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये टाइम है इस बटन को प्रेस करने का, लेट्स गो, लेट्स डू दिस, 3 2 1। और ये बटन को दबा दिया। ओए वेट, ओ ये क्या हो रहा है? अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो रहा है यार। ओए भागो भागो, ये उधर से भागो बे। एक सेकंड गाइस, ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई? ओ भाई जल्दी आओ बे, जल्दी आओ, ये सब क्या होने लग गया है? हम लोग तो सोच रहे थे इस बटन को दबाने से महल बन के आ जाएगा, या फिर तो भाई दिन से रात हो जाएगी, या तो कोई सीक्रेट बेस बाहर आएगा। इस बटन को दबाने से यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट हो गया यार।
और ये ब्लास्ट रुक भी नहीं रहा है। इसका मतलब? इसका मतलब वो सब असली मिसाइल्स थी और वो जो गोले गोले में थे वो सब बॉम्ब थे। ओ शिट भाई, इसमें तो हमारा घर पूरा का पूरा जाएगा भाई, पूरा का पूरा घर ही जाएगा हमारा, क्योंकि 60 मिसाइल्स थी यार। पता नहीं वो गोले वाले बॉम्ब्स कितने सारे थे। अभी धीरे धीरे ये शांत हो रहा है, पता नहीं हमारा घर इसके बाद कैसा दिखने वाला है। आई हैव नो आइडिया यार, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो रखा है। तो अब तो यार मेरे को डर लग रहा है भाई, आगे जाने में ब्लास्ट रुक गए हैं। अरे जाना तो पड़ेगा यार घर देखने के लिए। यार लेकिन मन नहीं कर रहा भाई। यार कलुआ भाई हिम्मत जुटा और जा। अरे बिल्कुल जाओ यार जाओ। भाई मेरा मन नहीं कर रहा है यार बिल्कुल भी, पूरा घर गया अपना तो। भाई देख भाई कलुए, क्या पता थोड़ा बहुत बच गया हो। तुझे लग रहा है भाई 60 मिसाइल्स थी वहाँ पर और पता नहीं कितने सारे बॉम्ब्स थे। मैं नहीं जा रहा भाई, तुम लोग देखने के लिए जाओ। अरे तुम जाओ यार, हम लोग तो तुमसे भी कमजोर हैं। बे अरे प्लीज जाओ ना यार। ठीक है चलते हैं गाइस, ब्लास्ट रुक गए फिलहाल यहाँ पर। ओके ओके ओके। ओ नहीं नहीं प्लीज नहीं। ओ नहीं शिट भाई, ओहो सब कुछ टूट गया इधर तो। ओ वेट, नहीं यार सब कुछ नहीं टूटा है यहाँ पे। नहीं नहीं बहुत कुछ टूट गया, लेकिन यार सब कुछ तो टूट गया, लेकिन नहीं सब कुछ नहीं टूटा है यार। ओ भाई सब ये सब कहाँ से टूट गया। ओ मेरी साइकिल भी पूरे मलबे में दब गई है यार। ओ ओ आराम से, ओ भाई सरिया निकल रहा है इधर उधर से। ये कितना सारा एरिया टूट फूट कर चकना चूर हो गया भाई, ये तो पूरी सीढ़ी बन गई है यहाँ से मलबे की। फिर ये देखो ये कहाँ की सीलिंग टूट गई है, पता नहीं ये कहाँ से टूटा है। आई हैव नो आइडिया ये किधर से। एक तो वो बॉम्ब्स इतने सारे थे, सारा घर एक ही साथ उड़ गया और फिर उड़ उड़ के इधर उधर इकट्ठा हो गया पूरा मलबा। देख रहे भाई शिंचन बिंचन। अरे हाँ यार पूरा टूट फूट गया है, चकना चूर हो गया है। अबे भाई अंदर अंदर का हाल देखने जाऊं क्या, अंदर का तो यहाँ से रास्ता ही बड़ा मुश्किल से बचा है यार। एक सेकेंड इधर से घुस के जाना पड़ेगा, रुको यार। अंदर जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से। नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा यहाँ से अंदर, इम्पॉसिबल है भाई मेरे लिए। ओ नहीं चला गया मैं, चला गया, लेट्स गो। ओ भाई सब पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया है यहाँ का तो। और ये देखो भाई इधर भी सब कुछ टूट फूट गया है, अंदर भी बहुत सारा सामान टूट गया है यार। लेकिन इसमें भी मान जाना पड़ेगा भाई, हमारे घर को पूरा चकनाचूर नहीं हुआ है। इससे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग घर। भाई 60 मिसाइल्स लगी पड़ी थी यहाँ पे और 10-12 तो वो बड़े बड़े वाले गोले वाले बॉम्ब्स होंगे यार, बट इतने सारे बॉम्ब्स और इतनी सारी मिसाइल्स के बावजूद भी हमारा घर टिका हुआ है यार अभी भी। और ये जो भी मलबा देख रहे हो गाइस, ये बस मलबा ही मलबा है, वरना घर को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये मलबा जो भी है ये बाहर से ही टूटा फूटा वो जो है वो सब उड़ के आया है, वरना अंदर से तो पूरा घर अपना जैसा था वैसा ही है। बात की जाए बाहर की तो बाहर काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है अपने घर को और बाहर से आई गेस रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है यार? अरे हाँ यार बाहर से रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब किया किसने बे? भाई कलवे मुझे क्या पता भाई, अबे पूछ थोड़ी ना रहा हूँ, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ ये सब किया किसने होगा। अरे कौन है यार तुम्हारा दुश्मन जिसको तुम्हारे घर का पता पता था? मेरे घर का पता पता था, ऐसा कौन है? एक सेकंड, लॉस गैंग वाले? कहीं ये लॉस गैंग वाले तो नहीं थे? मेरे को तो लग रहा है यार। भाई कलवे मुझे भी लग रहा है भाई, लेकिन एक सेकंड तू तो कह रहा था वो गैंग लेके लड़ने के लिए आएगा, क्या पता भाई लॉस गैंग वाले कुछ ज्यादा ही खुंदक में आ गए हो और उन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं गैंग से नहीं इसका पूरा घर उड़ाते हैं तब शांति मिलेगी, इसीलिए उन लोगों ने पूरे बॉम्ब लगा दिए इधर और बटन रख दिया ताकि मेरे हाथों से ही मेरा घर उड़वाए, ताकि मैं पुलिस केस या फिर पुलिस के लफड़े में भी ना जा सकूं, क्योंकि इन द एंड घर तो मेरे हाथों से ही उड़ा है, तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया था। और तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारा घर उड़वा दिया? और हम लोग भी गधे, बटन देखा तो ये नहीं सोचा कि ये बटन यहाँ पर क्यों है, बटन को दबाने के लिए चल पड़े और उस बटन से हमारा ही घर उड़ गया यार। इतनी बड़ी बेवकूफी कोई करता है? लेकिन पता किसे था कि उस बटन से मेरा ही घर उड़ जाएगा? मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ये सारे के सारे बॉम्ब्स असली हैं, मतलब इन लॉस गैंग वालों ने इतना खर्चा किया मेरा घर उड़ाने के लिए। इनकी तो ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी भाई, मैं लॉस गैंग वालों से बदला लूंगा। मैं जा भाई कलुआ जा, गोलियां चला के पूरी गैंग आज खत्म कर दे उनकी। नहीं भाई चौप, बॉम्ब का बदला गोली से नहीं लिया जाएगा। तो कैसे लेगा बे? बॉम्ब का बदला लिया जाएगा बॉम्ब से। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? बिल्कुल, मैं भी जाऊंगा उनके बेस पे बॉम्ब लगा के आऊंगा
और उनका बेस अपने हाथों से बटन दबा के पूरे बेस को उड़ा दूंगा। अरे तब जाके तुम्हारा बदला पूरा होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यही करने वाला हूँ मैं। पहले मैं भी सोच रहा था कि भाई लॉस गैंग वालों ने उड़ाया है, अभी जाके लॉस गैंग वालों का अड्डा पूरा तोड़ फोड़ के और लॉस गैंग वालों को टपका के आ जाता हूँ, बट नहीं, बॉम्ब का बदला बॉम्ब से लूंगा मैं। अरे लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब की भी तो जरूरत पड़ेगी, बॉम्ब्स कहाँ से लाओगे? हाँ यार ये बात भी है, ये बात तो मैंने सोची नहीं। बॉम्ब्स का तो जुगाड़ हो जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं गाइस, थोड़े बहुत वर्कर्स बुलाते हैं और ये मलबा वगैरह हटवाते हैं और घर में जो भी टूट फूट गया है उसको रिपेयर करवाते हैं। शिनचैन पिनचैन चॉप, अबे चॉप कहाँ गया? इधर यू भाई, कलुआ बोल। तो देखो तुम तीनों वर्कर्स आ रहे हैं, उनके साथ मिलजुल के काम करते रहना, जो भी घर के अंदर डैमेज हुआ है वो सब रिपेयर करवाना और ये सब मलबा हटवा लेना, और मैं चला बॉम्ब्स खरीद के लॉस गैंग वालों का बेस उड़ाने के लिए, बदला लेने के लिए। ठीक है, आई गेस हमारी गाड़ी बच गई है, ओपन करके देखते हैं। ओ यस, इसे कहते हैं भाई किस्मत। पूरे घर में इतना डैमेज हुआ है और ये देखो हमारी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, एक खरोच नहीं आई है भाई गाड़ी पे। ओके बहुत ही बढ़िया यार, इसे कहते हैं अल्टीमेट किस्मत। तो शिनचैन पिनचैन मैं बुला दूं वर्कर्स भाई? अरे बुला दो यार, बुला दो, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है अभी वर्कर्स बुला देता हूँ, चलो गाइस। तो मैंने वर्कर्स को कॉल कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। एक बार ये वर्कर्स आ जाएं फिर मैं जाऊंगा गाइस बॉम्ब खरीदने के लिए। तो हाँ सर बताओ क्या करना है? देखो भाई ये मेरा घर है। घर का है मतलब मलबे के नीचे घर है, मलबे के पीछे घर है। ओके सर। तो इस घर में से ये जो सारा का सारा मलबा है ये तुम्हें हटाना है। हो जाएगा। और जहाँ जहाँ घर के अंदर नुकसान पहुँचा है, जहाँ जहाँ डैमेज है, जिस भी जगह पर डैमेज है वो सब तुम्हें रिपेयर करना है। ये भी हो जाएगा। आप फटाफट से खर्चा बता दो। देखो सर ऐसे तो खर्चा बता पाना नामुमकिन है क्योंकि कहां कहां से डैमेज पहुंचा है ये जब तक मलबा हटेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन आप टेंशन मत करो, हमारे वर्कर्स काफी ज्यादा मेहनती हैं, सबके सब मिलकर जल्द ही ये काम निपटा देंगे। फिर भी इतना तो बताओ भाई कितना मतलब अमाउंट कितना जाएगा इन सब में? सर मैं अपने अंदाजे से बताऊं तो 5 करोड़ में आपका काम हो जाएगा। बस सर कम है ये? नहीं नहीं मतलब हाँ 5 करोड़ में हो जाएगा भाई? यस सर बिल्कुल। अरे वाह भाई बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसा तो मैंने कुछ उम्मीद नहीं किया था। मतलब लॉस गैंग वालों ने भाई अपने 60-70 करोड़ लगा के बस हमारा 5 करोड़ का ही नुकसान किया है। लॉस गैंग वालों की ऐसी की तैसी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है 5 करोड़ भाई घर में रखे हुए हैं, जब काम हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है काम शुरू करो, क्या लगता है कब तक काम हो जाएगा? सर आज शाम तक काम हो जाएगा आपका। ठीक है लगे जाओ भाई, सबसे पहले तो ये सड़क वाला मलबा हटा दो क्योंकि आते जाते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखो एक की गाड़ी पलट गई वहाँ पे। अरे हाँ यार सबसे पहले ये वाला हटवा दो और इधर वाला भी हटवा दो क्योंकि ये भी पूरा आधा रोड ब्लॉक कर रहा है। सब बारी बारी से हटवा के सारा फटाफट से काम कंप्लीट करो। शिनचैन पिनचैन और चॉप तुम लोग नजर रखना है यहाँ पर। सर नजर वजर रखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग निपटा देंगे सारा काम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग घर पे ही रहते हैं। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो काम शुरू करो और मैं तब तक लॉस गैंग वालों का काम तमाम करके आता हूँ भाई। यस अब बारी है लॉस गैंग वालों की। कल रात को मैंने उनसे सिंपल कहा था कि भाई ज्यादा पंगे लेने की पड़ी है तुम लोगों को, तो आ जाओ फिर मेरे घर पे कल सुबह, ले लेते हैं पंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन ये बात लगता है लॉस गैंग वालों को अच्छी तरीके से समझ नहीं आई, तभी तो भाई आके उन लोगों ने मेरे घर पे बॉम्ब्स बिछा दिए और बटन रख दिया जिसको मैंने खुद ही ब्लास्ट कर दिया। बट स्टिल गलती तो उन्हीं की थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जा रहा हूँ गाइस उस वक्त बॉम्ब्स खरीदने के लिए। ठीक है और आज जैसी ही रात होगी मैं जाऊंगा लॉस गैंग के बेस पर और पूरे के पूरे बेस पर जब लॉस गैंग वाले सो रहे होंगे पूरे बेस को कवर कर दूंगा बॉम्ब से, और कल सुबह उन लोगों की आंखों के सामने पूरे पूरे बेस को उड़ा दिया जाएगा और मेरा बदला हो जाएगा पूरा। तो अभी सबसे पहले तो मैं बॉम्ब्स लेने के लिए चलता हूँ। मैं लॉस गैंग वालों की तरह ये 60-70 मिसाइल्स और ये 50-60 ये गोले गोले वाले बॉम्ब्स, ना इसमें कोई फायदा ही नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स लेके। और देखा मेरे घर को क्या नुकसान पहुंचा, कुछ भी नहीं, 5 करोड़ का तो नुकसान हुआ है बस। तो इसीलिए मैं ये सब फालतू वालतू के लोकल लोकल बॉम्ब्स नहीं खरीदूंगा, मैं इन सब बॉम्ब्स को खरीद के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं खरीदूंगा बॉम्ब्स डायरेक्टली मिलिट्री वालों से क्योंकि मिलिट्री वालों से बढ़िया बॉम्ब्स किसी के पास भी नहीं होंगे और तुम लोगों को तो पता ही है भाई मिलिट्री से अपनी खास जान पहचान है, तो डेफिनेटली वहां से बढ़िया बॉम्ब्स मिल जाएंगे और एक आधी बॉम्ब काफी है या ज्यादा से ज्यादा 3-4 ले लेंगे और उन 3-4 बॉम्ब्स को आज रात को बिछा दूंगा मैं और फिर अगले दिन बूम चलते हैं फटाफट मिलिट्री बेस। रास्ते में इस वाले बंदे की गाड़ी दिख गई भाई, ये देखो क्या बढ़िया गाड़ी है। अरे कहाँ गई वो गाड़ी? ये देखो भाई पर्पल कलर की, पर्पल एंड पिंक कलर है पेल सेंट में। छोड़ो
खैर इसकी गाड़ी छोड़ो, हम लोग निकलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। मिलिट्री वालों आ रहा हूँ मैं तुम लोगों से बहुत ही तगड़ा बॉम्ब खरीदने के लिए। काफी ज्यादा टाइम लग गया यार मिलिट्री बेस पहुँचने में। चलो कोई नहीं, आ ही गए फाइनली। मैं पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ गाइस आज मिलिट्री बेस, और चलते हैं फिर। दिक्कत किस बात की है, देखते हैं कितने बॉम्ब्स दे पाते हैं मिलिट्री वाले मुझे। ओके कम ऑन लेट्स गो मिलिट्री वालों, आ गया हूँ मैं। फटाफट से बैरिकेड ओपन करो। एक तो ये बैरिकेड ओपन करने में जो नखरे दिखाते हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं, इसलिए मैं हमेशा बैरिकेड तोड़ के ही आ जाता हूँ। दिन में ऊपर की तरफ देखो हल्का हल्का चांद नजर आ रहा है भाई, ये क्या हो रखा आज मौसम को। ओके कहाँ चले, हाँ उधर चलते हैं वो फोर्ट ज़ैंकुरो टावर की तरफ। कर्नल जो है मेनली वहीं पर हमें मिल जाता है, तो चल के कर्नल से बात करते हैं और सबसे पावरफुल बॉम्ब के बारे में पूछते हैं कर्नल से। यहाँ पर परेड चल रही है, ये देखो भाई परेड चल रही है या फिर ऐसी सुबह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी सुबह कहाँ हो रही है, अभी तो दोपहर हो रहे हैं। जो भी हो रहा हो भाई तुम लोग देख रहे हो, एक साथ पैर उठते हैं इन बंदों के, एक साथ ही आगे चलते हैं और फिर आगे जाके क्या करेंगे। रुको रुको जरा देखने दो, ये बंदा रुक गया, सारे बंदे रुक गए और फिर वो बंदा जाके मुड़ गया। इसके बाद, अबे इसके बाद क्या होगा, छोड़ो यार मेरे पास टाइम नहीं है। जाके कर्नल से बॉम्ब लेते हैं। कर्नल मिलिट्री कर्नल, अरे रास्ते कैसे कैसे हैं यार ये मिलिट्री बेस के। एक सेकंड, किधर आके फंस गया मैं, ये कौन सी गली में घुस गया मैं। एक सेकंड, हाँ इधर इधर, ये तो रहा फोर्ट ज़ैंकुरो टावर। कर्नल सर, ये तो रहा मिलिट्री कर्नल। कर्नल सर हेलो, हेलो सर, हेलो हेलो, ये हेलीकॉप्टर की आवाज कहाँ से आ रही है भाई, पता नहीं इधर। ओ ये रहा हेलीकॉप्टर। हेलो कर्नल सर। और फ्रैंकलिन कैसे आना हुआ सर? एक बॉम्ब खरीदना था। बॉम्ब तो नहीं बेचते हम लोग, नहीं मतलब सर खरीदना नहीं है, मतलब सर क्या मुझे एक बॉम्ब मिल सकता है? कैसी बकवास कर रहे हो फ्रैंकलिन, तुम मिलिट्री वाले किसी को बॉम्ब क्यों देंगे? नहीं सर मतलब अपनी जान पहचान थी थोड़ी। नहीं 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 नहीं, जान पहचान होने से क्या हो गया, बॉम्ब नहीं मिलेगा सर प्लीज। नहीं, मिलिट्री के बॉम्ब्स सिर्फ और सिर्फ लॉस सेंटोस को बचाने के लिए, समझे? निकल जाओ यहाँ से। अबे यार मैंने तो सोचा था मिलिट्री बेस से बॉम्ब मिल जाएंगे, नहीं मिले यार। लगता है अब यही किसी और से ही खरीदने पड़ेंगे। किससे अब खरीदूं मैं? चलते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा जो बॉम्ब वगैरह सेल करता होगा सीक्रेटली, क्योंकि ये जो बॉम्ब्स है देखो, स्टिकी बॉम्ब्स और ये सब वेपन्स वगैरह तो नॉर्मली वेपन स्टोर पर मिल जाते हैं, और जो महंगे वाले एक्सपेंसिव वाले और ये जो बड़े वाले बॉम्ब होते हैं, ये मिलते तो हैं लॉस सैंटोस में लेकिन सीक्रेटली, कुछ खास लोगों को ही पता होता है ऐसे बॉम्ब्स के बारे में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, डेफिनेटली लेस्टर को तो पता ही होगा क्योंकि तुम लोग जानते हो भाई, जब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो लेस्टर से हेल्प मांगो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके पास। तो फटाफट से लेस्टर को कॉल कर रहा हूँ मैं। लेस्टर ब्रो कैसे हाल चाल? बस बढ़िया है, तुम बताओ फ्रैंकलिन। मेरे भी बढ़िया है यार। बोलो कैसे कॉल किया? सीधे मुद्दे की बात पर आते, मुझे बॉम्ब चाहिए। हाँ तो ले लो वेपन स्टोर से, स्टिकी बॉम्ब्स नहीं बड़े वाले बॉम्ब्स जिनसे पूरा घर उड़ा सके। किसका घर उड़ाने का इरादा है? अबे किसी का भी उड़ाऊं तुझे क्या, तू बता ना भाई कहाँ पर मिलेंगे ये? तुम्हें मिल जाएंगे अमीरों के मोहल्ला वाला रोड, जानते हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, अमीरों के मोहल्ले की तरफ। उस रोड को आगे की तरफ जाओगे तो एक बोट शॉप आएगी। बोट शॉप? हाँ ठीक है। उसके बाद? उसके बाद बस उस बोट शॉप पर मेरा नाम ले लेना और कह देना लेस्टर का दोस्त हूँ मैं, दे देंगे वो लोग बॉम्ब फ्री में। नहीं नहीं डिस्काउंट में। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई लेस्टर। देखा भाई मैं कह नहीं रहा था, लेस्टर एकमात्र पूरे लॉस सैंटोस में ऐसा बंदा है जिसके पास लिटरली में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। फटाफट से चलते हैं बोट शॉप। यार बोट शॉप वाले बॉम्ब बेचते हैं? अरे वाह भाई, लेस्टर को ये कैसे पता चला? भाई वो लेस्टर है, उसको सब कुछ पता है यार। चलते हैं फिर, देर किस बात की है। तो ये कौन सा इलाका है? तुम लोग ऑब्वियसली गैस कर ही सकते हो भाई, यस अमीरों का मोहल्ला ही है। और इसी वाले रास्ते को हमें आगे की तरफ फॉलो करना है और इसी रास्ते पर एक बोट शॉप मिलेगी हमें। अब देखते हैं वो बोट शॉप कब मिलती है। बाकी मैं तो घर भी नहीं गया यार, सुबह से शाम हो गई है, बट अब कल सुबह ही घर जाएंगे गैस। नहीं नहीं रात को यार, वो बॉम्ब लगाने के बाद लॉस गैंग के बेस पर मैं करूँगा क्या, अपने घर पे ही जाऊँगा। देखते हैं तब तक घर का काम साफ हो चुका होगा कि नहीं। अभी फिलहाल बोट शॉप कहाँ है इधर? अरे बोट शॉप ही नहीं मिल रही भाई, इधर है क्या? ये तो फलों की दुकान है कोई। बोट शॉप आई गेस, यस ये बोट शॉप ही तो है।
हाँ हाँ ये देखो रैपिड्स वाइट वाटर मोटर बोट्स, यस 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 यस, बोट शॉप पे आ चुके हैं गाइस। राफ्ट वाली बोट भी मिलती है यहाँ पर। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कौन बंदा है जो बॉम्ब्स वगैरह सेल करता है, कौन है भाई। डायरेक्टली पूछना नहीं है कि बॉम्ब है कि नहीं, पहले बताना है कि लेस्टर का दोस्त तुम है और फिर पूछना है कि बॉम्ब्स है कि नहीं। वाह यार क्या ब्यूटीफुल सी लोकेशन है ये, सीरियसली मैं, कितनी खूबसूरत लोकेशन है यार ये। ओह ये रहा एक बंदा बुढ़ा, ये बुढ़ा बॉम्ब बेचता है। हेलो सर आप बॉम्ब बेचते हो? ओए कौन है तू? अच्छा सॉरी सर, मैं लेस्टर का दोस्त हूँ। लेस्टर का दोस्त, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सर मेरे को लेस्टर ने बताया कि बॉम्ब बिकते हैं यहाँ पर। ओए तो डायरेक्टली क्यों बोल रहा है कि बॉम्ब है कि नहीं, पहले बता कि तुझे भेजा किसने है। सर सॉरी, अरे यार गड़बड़ करती मैंने। सर सॉरी सॉरी, लेस्टर ने मुझे भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ, बॉम्ब्स खरीदने थे मुझे। मिल जाएंगे, कितने चाहिए? 100, 200, 50? नहीं नहीं 100, 200 ये 50 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। 5? पांच नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे लेकिन 5 में क्या होगा? सर तगड़े तगड़े वाले दे दो ना 5। अरे तो 10-12 ले जाओ यार, बंगला बंगला उड़ाओ किसी का। नहीं नहीं बंगला नहीं उड़ाना है, एक लॉस गैंग वालों का बेस उड़ाना है। ओह पर्सनल दुश्मनी। अरे उससे आपको क्या, बॉम्ब दो ना। पैसे दो ना। देता हूँ पैसे। ये देखो ये हमारे बॉम्ब का सैंपल है। सैंपल? टेस्टिंग भी करके दिखाते हो सर? कैसी बकवास कर रहे हो। और सर वायरिंग, वायरिंग का कैसा कनेक्शन है? वायरिंग का नहीं है, ये तुम्हारे फोन से भी ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? बिल्कुल। अरे वाह यार ये तो बड़े हाईटेक बॉम्ब है। एक बॉम्ब लगभग 1 करोड़ का पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, पेमेंट कर देता हूँ सर आपकी मैं। यार 1 करोड़ का एक बॉम्ब, तो मुझे नहीं लगता उन लोगों ने 60 करोड़ का खर्चा किया होगा। मैंने अपना बेमतलब का अंदाजा लगा लिया है, उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत ही खर्चा किया होगा यार मेरे घर को ब्लास्ट करने के लिए। वैसे सर आर यू श्योर ये बॉम्ब बहुत पावरफुल है? अरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये। 5 रखवा दिए मैंने तुम्हारी गाड़ी पे। अरे अभी से ही? बिल्कुल, संभाल कर गाड़ी ले जाना, गाड़ी पे ही ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है सर ठीक है। भाई सब लेस्टर की जान पहचान देखो यार, कहाँ तक तो जान पहचान है इसकी। भाई मान जाना पड़ेगा, लेस्टर सबसे अलग बंदा हमारे ग्रुप में। माइकल है वो ठहरा एक नंबर का बिजनेसमैन, ट्रेवर है एक नंबर का ठहरा बेवड़ा और एकदम खतरनाक बंदा, उसे किसी की टेंशन नहीं है, किसी का डर नहीं है। एक है अपना लेमार, वो ठहरा एक नंबर का भिखारी बंदा, उसके पास पैसे नहीं है और बहुत ही अच्छा दोस्त है वो। एक है लेस्टर जो कि है अलग ही टाइप का बंदा, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर है साइमन, उतना खास दोस्त नहीं है बट हाँ साइमन भी अपना दोस्त है। वो है एक नंबर का लालची दोस्त, एक नंबर का भुक्कड़ दोस्त, और ऐसा दोस्त है कि पैसा बीच में आने पर वो दोस्ती भी भूल जाएगा, ऐसा दोस्त है भाई। हमारे सारे दोस्त अलग अलग है भाई, माइकल से लेकर लेस्टर तक सबके सब अलग अलग क्वालिटीज के साथ भरे पड़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल इन बॉम्ब्स की क्वालिटी चेक करने का वक्त है, लेकर चलते हैं गाइस लॉस गैंग के बेस पर और लगा देते हैं भाई, और फिर कल सुबह लेंगे मजे। इट्स टाइम फॉर रिवेंज एवरीवन, इट्स टाइम फॉर रिवेंज। और अपनी गाड़ी को फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं और चलते हैं जरा लॉस गैंग के बेस को चारों तरफ से बॉम्ब से कवर करने के लिए। कहाँ कहाँ बॉम्ब्स रखूंगा मैं तो सोच रहा हूँ हर कोने में एक एक रख दूँ। चलो भाई चलो चलो चलो, पहले देख लूँ लॉस गैंग वाले है तो नहीं, पता चला निकला है ये लोग इधर से ही, कोई भी नजर नहीं आ रहा है यार। इनकी गाड़ी अभी भी यहीं पर है, मतलब डेफिनेटली कोई होगा यहाँ पर। नहीं है, कहाँ गए लोग? छोड़ो ना छोड़ो छोड़ो, फटाफट से बॉम्ब्स बिछाता हूँ मैं। तो पहला बॉम्ब मैंने इधर लकड़ियों में ही रख दिया है, दूसरा बॉम्ब लगाते हैं। सेकेंड बॉम्ब इज हियर एवरीवन, मैंने सोचा कि छत पे जाके एक रख दूँ, फिर मैं सोच रहा नहीं यार इधर ही ठीक है। फिर अब तीसरा बॉम्ब लगाते हैं, तीसरा बॉम्ब मैं सोच रहा हूँ जो इनका मेन बेस है जहाँ पर ये लोग रहते हैं इसके जस्ट पीछे, यहाँ पर घास के बीच में छुपा देता हूँ। नाइस, क्या ब्यूटीफुल तरीके से छुप गया है यार ये। अथा बॉम्ब यहाँ पर लगा देते हैं, या फिर रुको सीढ़ी चढ़ के ऊपर लगा दूँ क्या? यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर इस वाले गेट पे, या फिर रुको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रख देते हैं। बदला लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा बदला। ओके 4 बॉम्ब्स मैंने अलग अलग कोनों में रख दिए हैं। जो 5वां अपना लास्ट बॉम्ब बचाया है वो मैं रख देता हूँ जस्ट इस कंटेनर के पीछे। लो भाई 5वां बॉम्ब भी हो गया, और आई गेस इट्स टाइम टू गो। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से लॉस गैंग वालों, अब तुम लोगों से मिलने में आऊँगा कल, और जब तब मचेगी तबाही, वो मंजर देखने लायक होगा, वो तबाही देखने लायक होगी। लेट्स गो, अब इन बॉम्ब्स को कल मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल करके ब्लास्ट करूँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब जरा घर चलते हैं।
देखते हैं गाइस घर का मलबा वलवा साफ हो गया कि नहीं, सारा जो डैमेज वैमेज पहुंचा था घर को वो सब कुछ ठीक हो गया है कि नहीं, फटाफट घर निकलते हैं। वैसे अभी तक गाइस तुम लोगों ने इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई क्या करो तुम लोग, जाओ अभी के अभी फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। निकलते हैं घर, यहाँ से तो लग रहा है साफ हो गया यार सब कुछ, चल के देखते हैं अभी पता चल जाएगा। यस यस सब कुछ साफ हो चुका है भाई। अरे वाह, ये तो पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पर कुछ डैमेज वैमेज भी हुआ था। ऊपर का भी पूरा छत साफ है, ऊपर नीचे का भी सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये देखो यहाँ से दरवाजे से आना मुश्किल हो गया था आज सुबह, लेकिन सब कुछ क्लियर। वो बटन नहीं हटवाया इन लोगों ने अभी तक, वो बटन भी हटवा देंगे वहां पर जो पड़ा हुआ है। अंदर से भी आएगा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा अभी तक तो। हाय साहब अंदर से भी सब कुछ साफ हो चुका है, बहुत ही बढ़िया भाई। जिंजन विंजन हो गया? अरे ये सब तो दोपहर को ही हो गया था। पैक कर लो। हाँ बे ये सब दोपहर को ही साफ हो गया है। दोपहर को ही कर दिया भाई, क्या बात है, वर्कर्स तो काफी फास्ट है। अरे और क्या यार, और देखो पता भी चल रहा है कुछ घर में हुआ था। नहीं भाई वही तो, कुछ पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। अभी रात सुबह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बहुत तगड़े वाले, पूरा घर एकदम ऑलराइट कंडीशन में है। चलो मैं सो जाता हूँ। अरे तुमने बॉम्ब बिछा दिया कि नहीं लॉस गैंग वालों के बेस पे? वो तो अब कल सुबह ही पता चलेगा भाई मेरे बॉम्ब्स कितने पावरफुल है। लेट्स गो गाइस, बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है मेरे लिए कल सुबह, सो जाते हैं अभी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और ये टाइम है रिवेंज का, ये टाइम है बदले का। घर का बदला घर से लिया जाएगा, बॉम्ब्स का बदला बॉम्ब से लूंगा मैं। जा रहा हूँ भाई मैं। अरे अच्छे से बदला लेकर आना यार। बिल्कुल, उसकी टेंशन तुम लोग ना करो भाई, बढ़िया से बदला लेकर आऊंगा मैं। चलो गाइस लॉस गैंग के बेस पर चलते हैं, इससे पहले कि लॉस गैंग वाले अपने अपने काम पर निकले। सारे लॉस गैंग वाले जब वहां पर होंगे तभी हम लोग रिमोट का बटन दबाएंगे। रिमोट का क्या, अपने फोन से बटन दबाएंगे और बॉम्ब्स को करेंगे ब्लास्ट। लेट्स गो। लॉस गैंग वालों के बेस पर पहुंचने वाला हूँ यार, आई होप बस वो लोग निकले ना हो अपने बेस से, सारे के सारे उधर ही हो। प्लीज प्लीज, यस सबके सब वहीं पर है। अब रेडी हो जाता हूँ मैं फटाफट से अपना फोन लेके, और इसके अंदर रिमोट भी ओपन कर लेता हूँ मैं। चलो भाई रिमोट भी ओपन कर लिया है। लास्ट गैंग वालों, तुम लोगों ने कल मेरे संग जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया, और अब तो गए। लेट्स गो, रिमोट के बटन को दबाते हैं 3 2 1। और यहाँ पर भाई ब्लास्ट शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही तगड़े वाले ब्लास्ट शुरू हो चुके हैं भाई साहब। लिटरली में शुरुआत में तो लगा भाई ये कैसे मिनी से ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन एंड में मच गई ना भाई रियल वाली तबाही, और फुल किलर्स गए हैं भाई लॉस गैंग वाले। अंदर एक तो जल भी रहा है बंदा, ये दोनों बंदे भी जल रहे हैं भाई, फिर भी फाइट करने की मेरे से कोशिश कर रहा है। रहन दो, पहले जाकर अपना बेस बचाओ तुम लोग। भाई मुझे नहीं लगता इनके बेस में कुछ भी बचा होगा अब। पूरा बेस गया भाई, पूरा बेस गया। मेरे 5 बॉम्ब्स इतने स्ट्रांग थे जितने कि इनके इतने सारे बॉम्ब्स मिलके भी स्ट्रांग नहीं थे। ओके चलो 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 चलो, लेट्स गो। नाइस, हो गया भाई बदला पूरा, हो गया बदला पूरा। जरा देख के तो जाऊं नुकसान कितना पहुंचा है इनके बेस को। शांत हो गया गाइस यहाँ पर मामला। ओ भाई ये क्या हो गया है, अरे ये तो चींटियों का जैसा घर होता है वैसा वो हाल हो गया इनके पूरे के पूरे बीस का। वो देखो सब कुछ तहस नहस हो गया यार। बदला हो गया भाई पूरा, आप करवाते रहो अपने बेस को रिपेयर जिंदगी भर। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी और मेरा बदला बढ़िया लगा हो तो जाकर अभी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, याद से ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर इधर उधर क्लिक करके तुम लोग बाकी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।